हेलो फ्रेंड्स, कुक विथ मनोज चैनल में सब फ्रेंड का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं बहुत अच्छा एक रेसिपी लेकर आया हूँ जिसका नाम है भरवा परवल। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने किस टाइप से बनाया है ये भरवा परवल को, तो आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और मैंने कैसे बनाया है आप देखिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं परवल भरवा बनाने वाला हूँ। तो उसमें जो लगने वाला है सामान मैंने यहाँ पे सभी इकट्ठा रखा है। ये 400 ग्राम परवल है। इस टाइप से देखिए, इसका छिलका था तो मैंने हटा दिया, क्योंकि छिलके के साथ भी बना सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा कड़क होता है तो पकने में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको छील दिया है और चीरा लगा दिया इस टाइप का। अब इसमें हम मसाला भर देंगे। ये देखिए, इस टाइप से हमने चीरा लगा दिया है। ये देखिए, अब इसमें से जो पके बीज होते हैं वो निकाल दिया है मैंने, और जिसमें पके नहीं हो ऐसे ही रखा है। तो ये दो बच्चा मैं उसको भी ऐसे ही छील लूँगा और चीरा लगा लूँगा बीच में। और मसाला देखिए जो हमारा लगने वाला है, इसमें गरम मसाला है, इसमें हल्दी है, मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, अमचूर पाउडर है, और ये जीरा लगने वाला है, ये रिफाइंड ऑयल है 2 चम्मच लगने वाला है, और ये हमारे पास काजू कतली की बर्फी है वो मैं इसमें डालने वाला हूँ। और इस जगह पे मैंने ये छोटे छोटे मैंने 4 ले लिए हैं। मेरे पास छोटे थे, आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं थे। अगर ये बड़े हों तो 2 पीस ही बहुत होता है, पर ये छोटे थे इसलिए मैंने 4 ले लिया है। तो अब इसको मसाला मिक्स करता हूँ इसमें लेके। देख सकते हैं, इसमें एक बाउल ले लेते हैं, इसमें सभी मसाला डालते हैं। तो देख सकते हैं, इसमें मैं धनिया डाल रहा हूँ 2 चम्मच, इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी है तो थोड़ा कम डालेंगे। अब इसमें हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच। अब इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। देख सकते हैं, मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अब इसमें मैं अमचूर पाउडर डाल रहा हूँ। गरम मसाला मैंने पहले डाल दिया, अमचूर पाउडर अब डाल रहा हूँ। अब इसमें डालेंगे नमक। अब इसमें नमक डाला मैंने अपने टेस्ट के अनुसार, आप जितना जैसा पसंद करते हैं वैसा डाल सकते हैं। मैं अपने स्वाद के अनुसार डाला नमक। और इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल, क्योंकि ये ड्राई होता है मसाला, तो इसको थोड़ा सा गीला करने के लिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे काजू कतली की बर्फी, इसको मैश करते हैं। देख सकते हैं, इसको मैं मैश करना शुरू कर दिया, सभी को मिक्स कर देता हूँ ऐसे। इसको पूरा मैश करना है, ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, मिठाई बहुत सॉफ्ट है तो ये मैश हो जाएगा इजीली। तब देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह से सबको चीरा लगाया था। अब मैं एक एक करके मसाला इसमें थोड़ी थोड़ी चम्मच से डालना शुरू करता हूँ। इसमें से थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी भरना है सभी में। इसी टाइप से पूरे परवल में ऐसे ही मसाला भरना है थोड़ा थोड़ा करके। तो ये देखिए, हमारा ये करेला भर गया है। इसमें मैंने चम्मच के सहारे से इसमें पूरा मैं भर दिया है परवल को। अब हम गैस ऑन करते हैं। ये देखिए, हमने गैस ऑन कर रखा है। अब इसमें 2 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इस जगह पर आप सरसों का भी तेल डाल सकते हैं, पर मैंने रिफाइंड डाला है। अभी हमारा ये ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। और ये हमारा जीरा जल गया है, तो इसमें हम डाल देंगे अब ये परवल भरवा। इसी तरह से पूरे में इसको रखना है, इसी तरह से आराम आराम से। देख सकते हैं, मैंने इसमें रख दिया है पूरा। अब इसको लो मीडियम गैस पे ही इसको पकाना है, ज़्यादा तेज नहीं करना है। तो इसको मैं कम पे इसको 5 मिनट पकाता हूँ। तो आइए देखते हैं, 5 मिनट हो गया है। ये हल्का इसमें ढकने के बाद ये कम पे पकाने से हल्का पानी भी छोड़ा है इसमें, ये इसको ऐसे ही पकाते रहना है। अब इसको हम एक एक करके इसको पलटी कर देते हैं। इसको पलटी करना पड़ेगा आराम से, क्योंकि ये अलग ना हो उससे, फटे नहीं। तो एक एक कर करके इसको पलटी करना है। तो देख सकते हैं, ये मैंने सबको पलट दिया है इस तरह से। अब इसको 2 मिनट और पकाना है, क्योंकि मैंने एक साइड से भी पकाया था 5 मिनट्स, तो दूसरे साइड से भी मेरे को 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो इसको फिर वापस इसको ढक देते हैं।
तो देख सकते हैं फ्रेंड मैंने ये 3 मिनट और पका दिया तो ये बिल्कुल भी पक गया है। तो ये रेसिपी आपको कैसा लगा भरवा परवल का हमें ज़रूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। और ये हमारा रेडी हो गया है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।